खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। देखो टेलर गाड़ी का भाई पूरा बॉडी खत्म हो गया, पूरा 3 घंटा खराब हो गया था, तो वो ठीक करवा के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो दोस्तों हम लोग अभी 200 किलोमीटर चल के आ गए हैं इधर, और रात भर गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी खूब चला है, कम से कम 100 किलोमीटर गाड़ी चला है। तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, अभी हम लोग नागपुर से 300 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप के पास रुके हुए हैं, देख सकते हैं। तो देख सकते भाई गाड़ी स्टार्ट हो गया है, अब चलो चला जाए यहाँ से, शाम को देखते हैं कि क्या बनता है गाड़ी में, उसके बाद फिर शाम होगा तो पता चलेगा। अभी हम लोग मस्त नाश्ता वास्ता कर लिए, चाय पानी कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, देख सकते हैं मौसम भी ठीक ठाक है, बारिश नहीं है, हल्का बादल है, तो चलो अब चला जाए। दोस्तों हम लोग वहाँ से निकले थे, दो गाड़ी हमारे साथ थे, एक हम हैं और एक और हमारे साथ एक नया आदमी थे, यानी कि नया ड्राइवर है इस रूट के, बाकी वो दूसरे रूट में चलाते थे गाड़ी, तो अभी उस रूट में नहीं गए, अभी नया रूट है, इस वाले में गाड़ी पकड़ लिए, तो हमारे साथ वो लोग हैं, तो वो लोग चल रहे हैं, तो हम लोग अभी एक्सप्रेवे पे चल रहे हैं, रात को रात भर चले थे, और थोड़ा सा आगे हैं, तो एक और जिया जी के दोस्त है वो भी मिल गए हैं, तो आप देख सकते हैं, तो भाई साहब वो जो आगे सामने जो दिख रहा है वो वाला गाड़ी, वो उनका ही गाड़ी है, मेरे जिया जी के बहुत पुराने दोस्त हैं, तो वो भी साथ में मिल गए हैं, अब साथ में जाएंगे, तो हम 3 जने हुए, यानी कि 3 गाड़ी हुए, यानी कि फिर भी वो तो अकेले ही अभी चलाने वाले, उनके गाड़ी तो खलासी नहीं है, तो हम 3 गाड़ी एक साथ चल रहे हैं अभी, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। अगर मौसम की बात करें तो भाई मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो चलो अब चला जाए, शाम को क्या है 3 जने एक साथ मिल के 3 गाड़ी वाले, और कुछ बनाया जाएगा, तो देखते हैं क्या बनेगा शाम को, तो जो मिल जाएगा वही बन जाएगा। तो अभी तो नाश्ता से ही 2 बार नाश्ता कर लिया सुबह से, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, इधर दूर तक सभी चीज़ मिल नहीं रहा है, तो चलो चलते हैं, अब शाम का इंतजार करते हैं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। फाइनली दोस्तों हमको 600 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है, अभी हम लोग पहुंच गए नागपुर, तो अब यहाँ से एक्सप्रेवे जो रोड है इसको छोड़ेंगे, भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया यहाँ पे एक्सप्रेवे पे, भाई पहले उस तरफ का टायर उड़ गया था जाते समय, अब आते समय इस तरफ का टायर उड़ गया है, तो चलो अब इसको चेंज कर लेते हैं, भाई एक के बाद एक टायर उड़ता ही जा रहा है पता नहीं क्यों, तो सही से एक चक्कर भी नहीं लग पा रहा है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, देख सकते हैं औजार लेके आ गया हूँ भाई, और यही टायर है, अभी उड़ गया था, देखो यहाँ से उड़ा था, ये देखो ये रहा, यहाँ से क्या है देखो उड़ गया था, अब इसको चेंज करा जाएगा, टायर ख़राब हो गया एकदम, चलो देखते हैं क्या होता है आगे, एक लिफ्ट में टायर, अब इसमें टायर लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, एक फोर टायर है जो लगाएंगे वो भी ऐसा ही है, देखते हैं कितना चलता है वो, चलो टायर लगा लेते हैं भाई। देखिए दोस्तों एक चक्कर में तीसरा बार ये टायर चेंज कर रहे हैं हम लोग, टायर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है टायर का, बोलते बोलते हमारा भी हालत ख़राब हो गया है, इधर थोड़ा गर्मी लगने लग गया है, और एक्सप्रेवे पे ही हम लोग हैं अभी, तो भाई पता नहीं किस्मत ख़राब है या टायर ही ख़राब है। हम लोग पीपल गांव में ये टायर बनवाए थे, और इसके अंदर वहाँ पे दो इतना बड़ा बड़ा जो होता है एक दो इतना बड़ा बड़ा एक टूट गया था ऐसा नट बोल्ट है अंदर, तो वो टूट गया था, उसको निकलवाने में 2-3 घंटा खराब हो गया था, तो वो ठीक करवा के निकले कि अब तो चक्कर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर लोडिंग होगा। फिर भी देखो रास्ते में वापस से टायर इधर धोखा दे दिया, और अभी उड़ गया है चलते चलते टायर, अब इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं, एक पड़ा हुआ है टायर मगर वो भी ऐसे ही है, खराबी है, अब देखो क्या होता है। चलो अब इसको तो खोल लिए हैं, अब उसको कसेंगे। दोस्तों टायर खोल दिया मैंने, तो भाई टायर का वजन बहुत ज़्यादा है, पंचर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा वजन है इसके अंदर। चलो दूसरा टायर खोलते हैं, पहले स्टेपनी में से उसके बाद लगाया जाएगा। देखो यही बोल्ट है जो टूट गया था, यही बनवाया था रास्ते में ये वाला बोल्ट, तो चलो अब टायर चेंज कर लेते हैं। बस
अरे यार टाइट कर देता है उसी में ना खोलता है और तब मार। हवा तो दोस्तों टायर एकदम बढ़िया से कस दिया मैंने, स्टेपनी में भी जी अजी टायर लगा दिए हैं इतने देर में। तो चलो अब शाम का टाइम है, अब यहाँ से निकला जाए फिर आगे खाना वाना खाएंगे। दोस्तों पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। तो चलो अब तो हम लोग स्टेपनी में से टायर निकाल के कस के और अब चल दिए हैं। देखो अभी हम लोग स्प्रे पे हैं और भाई यहाँ पे स्प्रे पे एक चीज़ और बढ़िया लगा कि यहाँ पे टॉयलेट वगैरह बहुत बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा है, जैसे होटलों में होता है बिल्कुल वैसा है, एकदम टाइल लगा हुआ और एकदम एक नंबर टॉयलेट है भाई। तो हाथ मुँह वहीं पर धो लिया हूँ और वहाँ पे एक नंबर टॉयलेट था। तो ये हर जगह यानी कि 100 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है। तो हम लोग अब चल दिए हैं, अब चलो अंधेरा होने वाला है कुछ देर में। रात के 10 बज चुके हैं दोस्तों और खाने में देखो रोटी है और सेव भाजी है, तो यही खा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग खाना खा लिए हैं मैं और रिजिया जी। तो खाने में था सेव भाजी और रोटी, तो सेव भाजी ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए सेव भाजी खाते हैं दूध का। तो दोस्तों जिया जी भाई सो गए हैं और मैं भी अब जा रहा हूँ सोने, तो मैं अभी गाड़ी के बाहर ही हूँ। तो ढाबे पर गाड़ी लगा दी है, अब सोएंगे 3-4 घंटे, उसके बाद निकला जाएगा यहाँ से 3-4 बजे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो? तो दोस्तों मेरे ब्लॉग वीडियो का कौन सा पार्ट आप खराब लगा? तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।